हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में, मतलब आज थर्ड क्लास है टाइपिंग स्पीड की, तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या हम कवर अप करते हैं इस वीडियो में। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आज मैं आपको कीबोर्ड की 70% 50-60% में आज इसको कवर करते हैं हम, ताकि कम से कम टाइम में हम कीबोर्ड टाइपिंग स्पीड सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो गाइस, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था सेकेंड डे ऑफ क्लास में कि आपको सेंटर रोज, अपर रोज एंड डाउन रोज मैंने बताए थे। आज मैं आपको अपर रो का जो है, इसमें जो बाई और टी का जो रह गया था, तो हमने क्या करना है, बाई और टी का यूज इसी तरीके से करना है जैसे हमने होम रो के बाद यहाँ पे इस तरीके से कीज़ किए थे। तो जैसे कि अपना जो ये जो हैंड है, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी उस पर, और तो इस तरीके से हमने काम करना है। और जैसे कि क्या आप यहाँ से आप ऐसे करोगे, रखोगे पी पे छोटी वाली उंगली और क्यू पे छोटी वाली उंगली, क्यू डब्ल्यू ई आर, और इसी से टी प्रेस करना है, स्पेस पी ओ आई यू बाय, ये करना है आपने इस तरीके से। यहाँ से आगे करना है ऐसे, ये वाली उंगली से, यहाँ पे चार उंगली है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है, तो ये वाली रो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से होम रो भी आपने इस तरीके से कंप्लीट किया था, और इस यहाँ पे इस तरीके से ये वाला भी आगे आएगा। तो जेड एक्स सी, सॉरी जेड एक्स सी वी बी स्पेस स्लैश डॉट कॉमा एम एन, तो इस तरीके से हमें ये रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और इस तरीके से, और जैसे अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये टाइपिंग की अपने हैंड से कैसे हैंडल करना है। हमने बस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया कि इस वाली उंगली पे यू है और इस वाले उंगली पे जे है, और ये इस तरीके से प्रैक्टिस कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बिल्कुल होम पे की रख के किस तरीके से आपको हैंडल करना है, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे जाने की, होम की से आपका हाथ ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे आपको ये प्रेस करना है ऐसे जाएगा, होम की पे रखने के बाद ऐसे आपको करना है, ऊपर नहीं जाना ऐसे ऐसे, ठीक है। और मैं बता दूं कि कीबोर्ड के बारे में, चलो आज मैं कीबोर्ड के बारे में बता देता हूं कि दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा या नहीं भी है तो मैं बता देता हूं कि एक नॉर्मल कीज़ में कम से कम 100 कीज़ होती हैं, 100-104 किसी में हो जाती है। ऐसे अगर मल्टी कीबोर्ड है, मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड है, तो उसमें 100 प्लस होती है, नॉर्मल की में 100 अराउंड होती है। तो और इसमें मैं बता दूं कि कीबोर्ड टाइप्स ऑफ कीज़ कौन कौन से होते हैं, मैं इसमें 6 कैटेगरीज में डिवाइड होता है कीबोर्ड। फर्स्ट होता है फंक्शनल कीज़, जिसको फंक्शन की कहते हैं, टाइपिंग कीज़, कंट्रोल कीज़, नेविगेशन कीज़, इंडिकेटर लाइट एंड न्यूमेरिक कीपैड। तो चलिए मैं फर्स्ट नंबर से आपको बताता हूँ फंक्शनल कीज़ कौन से होते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये सारे फंक्शन की कीज़ होते हैं। दूसरा होता है टाइपिंग की, यहाँ से जो ए बी सी डी से जो होते हैं, ये सारे टाइपिंग कीज़ होते हैं। और कंट्रोल कीज़ ये वाले हैं, कंट्रोल शिफ्ट कैप्स ऑल्ट, ये सारे कंट्रोल कीज़ में आते हैं। और नेविगेशन कीज़ ये वाले हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट होम एंड, ये अप डाउन, ये नेविगेशन कीज़ में आता है। और इंडिकेटर लाइट, ये जो देख रहे हो आप इंडिकेटर लाइट, इसका मतलब ये है जैसे आप इसको प्रेस करोगे कैप्स ऑन कैप्स ऑफ हो जाएगा, तो इसको इंडिकेटर लाइट कहते हैं। न्यूमेरिक कीपैड, ये न्यूमेरिक कीपैड की कैटेगरी है, और हम यहाँ पे कभी मान लो डेटा एंट्री कर रहे हैं, नंबर मोबाइल नंबर वगैरह लिखना होता है, तो इस तरीके से आप एंटर कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये टाइप्स ऑफ कीज़ मैंने बता दिया इस क्लास में। तो गाइस, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और डेली प्रैक्टिस करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में मैं बताऊँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।